नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नौशहर के डीएलएफ थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग व उसके पुत्र वधू ने पोते व उसकी पत्नी से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या करने वाले बुजुर्ग के घर से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें लिखा है कि हमने तुम्हारे लिए दिल्ली का मकान बेच दिया, गुड़गांव में रहने के लिए मकान खरीदा जिसमें हमने 50 लाख रुपए दिए, फिर भी तुम हमें रहने नहीं दे रहे हो। अब हमारे पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। ये सुसाइड नोट लिखकर सुशांत लोक में एक बुजुर्ग और उसके पुत्र वधू ने पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में बुजुर्ग ने अपने पोते सौरभ गुप्ता व उसकी पत्नी करिश्मा पर परेशान कर आत्महत्या के उकसाने का आरोप लगाया है। डीएलएफ थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मूल रूप से दिल्ली निवासी बुजुर्ग रमेश दास गुप्ता 85 व पुत्र वधू मंजू 59 ने अपनी दिल्ली स्थित मकान बेचकर गुड़गांव के सुशांत लोक में काफ़ी समय पहले एक मकान खरीदा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार करीब 5 साल पहले रमेश दास गुप्ता ने अपने पोते सौरभ की शादी की थी। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बुजुर्ग व उनकी पुत्र वधू सौरभ व उसकी पत्नी से प्रताड़ित थे। दोनों ही उनके घर से निकलना चाहते थे, इस कारण वे दोनों मानसिक तनाव आ गए थे और उनकी रोजाना के ताने से तंग आकर गत 18 मई को रमेश दास गुप्ता व उनकी पुत्र वधू मंजू बाला ने आत्महत्या कर ली। 18 मई की रात को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुसाइड नोट के आधार पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।